गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट समझेंगे जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? ऐसे अगर देखा जाए तो भाषा जो है हमारी आपस में बोलचाल करने का एक माध्यम होती है। तो हम अपने विचारों को जिस माध्यम के द्वारा दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं, वही भाषा होती है। देखिए, इस चैप्टर को आपको रीड करना है और समझना है। भाषा एक दिव्य वरदान है, इसके अभाव में किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी समाज में रहने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भाषा सीखना बहुत आवश्यक है। भाषा के बिना हम अपने मन के विचार ना तो दूसरों को समझा सकते हैं और ना ही उनके विचार खुद समझ सकते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है, भाष धातु का अर्थ क्या है? बोलना। संसार का प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने विचारों और भावों से अवगत कराता है। इस कार्य के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। यानी अगर उसको भाषा नहीं आती तो वह ये सब नहीं कर पाएगा, अपने विचारों और भावों को दूसरों को नहीं समझा पाएगा जब तक वो भाषा नहीं सीखता है। ठीक है, तो संसार के चाहे आप किसी भी कोने में जाओ, आपको भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। भाषा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन चित्रों में देखो, भाषा के हैं जो चार स्टेप मान लो या चार चरण मान लो, चार कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो इन चित्र में आप देखो कि अलग अलग तरीके से अपनी बातों को समझा रहे हैं या दूसरी बातों को समझ रहे हैं। यहाँ पर ये सुनकर समझ रहे हैं, यहाँ पर बोलकर आपस में समझा रहे हैं, ये लिखकर समझ रहा है और ये पढ़कर। ठीक है, तो भाषा के ये चार चरण हैं या चार कौशल हैं जिनके द्वारा हम भाषा को समझ सकते हैं। इसी आधार पर भाषा की परिभाषा हमें देखनी है। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। तो भाषा सार्थक ध्वनियों का, यहाँ पर सार्थक का मतलब आप समझते हैं, सार्थक का मतलब होता है कि जिसका अर्थ निकलता है। अब हम ऐसा कुछ बोलें जिसका अर्थ ही नहीं निकलता तो वो भाषा नहीं कहलाएगी। यानी अपनी बात समझाने के लिए हमें सार्थक ध्वनि समूह का प्रयोग करना है और दूसरों के विचार भी हम समझ सकते हैं भाषा के द्वारा और अपने विचार उन्हें समझा भी सकते हैं। अब भाषा जो है वो दो प्रकार से हम प्रयोग में लेते हैं, बोलकर और लिखकर, या फिर पढ़कर या फिर सुनकर। तो उसी आधार पर भाषा के दो रूप भी होते हैं और उन रूप के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, आप सब इसको ध्यान से पढ़ना और नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट टू में हम भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण उनको भी समझेंगे।